एनबीसी न्यूज ने नयाकुंड पुलिया की पोल खोली है। पोल खुलते ही अधिकारी काम पर लग गए हैं। पिछले महीने में 28-29 तारीख को पेंच नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। उसी वजह से नयाकुंड नदी पर बना पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब गया था। वही गांव पानी में डूब गए थे। नदी में बाढ़ आने से पुलिया के ऊपर लगी दोनों तरफ रेलिंग पूरी तरह टूट चुकी है और कुछ पानी के बहाव में बह गई थी। वह पुलिया के ऊपर का डामर रोड भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। रास्ते में बहुत गड्ढे पड़ने से रास्ता पूरी तरह से उखड़ गया था। पुलिया की हालत भी नाजुक होने से यहाँ से गुजरने वाले जान हथेली पर लेकर गुजरना पड़ता था। रेलिंग ना होने से और रास्ता आवागमन के लिए सही ना होते हुए भी यहाँ से छोटे बड़े वाहन आना जाना करते नजर आ रहे थे, जो खतरनाक हो सकता था। यहाँ पर ना तो बैरिकेड्स, ना ही सिक्योरिटी, ना ही दिशा दर्शक फलक, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी थी। 15 दिन होने के बावजूद यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं आए। पुलिया दुरुस्ती के लिए प्रयास नहीं किए गए, उसी वजह से इस पुलिया पर वाहन चालक वाहन चलाते समय बड़ी संख्या में मुश्किल आने से आना जाना कर रहे थे। थोड़ी सी लापरवाही इन वाहन चालकों की जान भी ले सकती थी। फिर भी इस पुलिया की दुरुस्ती 15 दिन नहीं की। तभी एनबीसी न्यूज के रिपोर्टर ने यह हालात का जायजा लेते हुए यहाँ की वास्तविकता की परिस्थिति एनबीसी न्यूज के माध्यम से उजागर की। सामने रामटेक और पारसिन को जोड़ने वाला पुलिया है, जो कि पेज नदी पर नयाकुंड के पास बना हुआ है। यह पुलिया पिछले महीने 29 और 28 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी नदी में, जिस वजह से ये टूट गया था। इसकी रेलिंग और यहाँ का जो डामर था और जो सड़क थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसकी वजह से ये पुलिया का धोखा सभी को लग रहा था। मगर यह रोड, ये जो हाईवे रोड है, यह हाईवे रोड नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ आता है, अंदर में आता है, जो यहाँ पर उन्होंने ये काम तुरंत करना चाहिए था। मगर यहाँ का कोई भी अधिकारी उस दिन से आज तक नहीं आया। कल हमने इसी बाबत इस पुलिया की खबर हमारे न्यूज़ में लगाई थी, जो इस न्यूज़ को पढ़ते ही और देखते ही यहाँ के अधिकारी और यहाँ शासन जल्दी से जल्दी जागा और आज तुरंत यहाँ पर यह काम शुरू किया गया। बड़ी तादाद में लोग और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि उनको आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई सावनेर, कोई नागपुर, कोई रामटेक या इसी तरह और जाना चाहते हैं, मगर वो आज उसको रोका गया पूरी तरह से, जिस वजह से उनको तकलीफ हो रही है। और आज इस पुलिया का निर्माण कार्य बड़े जोरों पर किया जा रहा है, जो कि ये कार्य पिछले हफ्ते होना तो चाहिए था, मगर आज तक किया गया नहीं। इसी वजह से ये शासन और जो नेशनल अथॉरिटी के जो लोग हैं, कितने लापरवाह और कितने बेजवाबदार है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसी मांग यहाँ से उठी थी। और आज उन्होंने आनंद फानंद में यहाँ पर अपना काम शुरू किया। इसी वजह से आज दो तरफ वाहन खड़े हैं, बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पे दिखती है। इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई ऐसे ही कार्य चलेगा, इसलिए जल्द से जल्द ये काम पूरा हो और लोगों को यहाँ से आने जाने के लिए ये रास्ता खुला करें। मैं रुपेश खंडारे, बीसी न्यूज़, पारसिन। अधिकारियों की लापरवाही शनिवार को उजागर करते ही सोमवार को यहाँ बड़े प्रमाण पर नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी अपना दल बल लेकर नयाकुंड नदी पर पहुंचे। वहीं पोकलैंड से पूरे डांबर रोड को उखाड़ कर रखा और नया काम शुरू करने की पहल अधिकारियों के मौजूदगी में सोमवार को दिखाई दी। वहीं भारी वाहन से यहाँ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। साथ ही रास्ते का काम शुरू होने से दोनों ओर आने जाने वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। अगर यही काम पिछले दिनों किया होता तो आज लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पुलिया की मरम्मत में बाधा करने वाला दिखाई देने से आज इस पुलिया की हालत खस्ता दिखाई दे रही है, जो चिंता का विषय है। यह सब कुछ एनबीसी न्यूज पर दिखाई देते ही संबंधित विभाग के अधिकारी नयाकुंड पेंच नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया पर दलबल के साथ सोमवार को पहुंचे। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस पुलिया के दुरुस्ती को 15 दिन ना करने से यहाँ के मुसाफिर वाहन चालक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं यहाँ के तहसीलदार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खबर को एनबीसी न्यूज पर दिखाते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तुरंत पेंच नदी पर बने नयाकुंड पुलिया का काम शुरू किया गया, जो वाहन चालकों के लिए राहत देने वाली बात है। नागरिकों ने इस कार्य को शुरू होने से एनबीसी न्यूज को सराहा है। पारशिवनी से एनबीसी न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।